चतुर्थी पर सोमवार को शहर के टेकड़ी गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। साथ ही मंदिर में आकर्षक सजावट भी देखी गई। शहर के सीताबर्डी स्थित श्री गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी निमित्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। पौष माह की यह बड़ी चतुर्थी होने से टेकड़ी के गणपति मंदिर को यात्रा का स्वरूप आया था। बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन के लिए बाहर गांव से आए थे। श्रद्धालुओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा बंदोबस्त किया गया था, जिसमें मंदिर परिसर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, जिनके माध्यम से निगरानी रखी गई है, तो साथ ही पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया था। दर्शन में आसानी हो इसलिए महिला, पुरुष, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। आज पौष मास की जो है चतुर्थी है, इसे तिल चतुर्थी भी कहा जाता है और ये शहर का जो सुप्रसिद्ध प्राचीन टेकड़ी गणेश मंदिर है, यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं का हमें तांता लगा दिखाई दे रहा है। बड़े मात्रा में जो है श्रद्धालु यहाँ आज चतुर्थी के दिन पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज तिल चतुर्थी के अवसर पर आप यहाँ आइए, क्या बताओगे, क्या महत्व रहता है? आज गणेश टेकड़ी जो गणेश चतुर्थी निमित्त या पौष महिन्यात पदार्पण करते आणि सर्व भाविक लोकांना विनंती करते की चांगल्या शांतपणाने दर्शन घ्यावे। चतुर्थी मोठी चतुर्थी असल्यामुळे भक्तांचा सतत ओघ चालू आहे। सर्वांच्या दर्शनार्थीची सोय व्यवस्थित करण्यात आली आहे संस्थांतर्फे आणि खास करके लेडीज करता आम्ही वेगळा मार्ग हे केलेला आहे, अवलंबिले आहे, त्या लोकांचं दर्शन लवकरात लवकर होत आहे आणि सगळेजण त्या व्यवस्थेने समाधानी आहे। नमस्कार, आम्ही पुण्यावरून आलोय, मी मिसेस धार्मिक आणि हे माझे मिस्टर। आम्ही या गणपतीबद्दल खूप ऐकलं होतं, त्यासाठी दर्शनाला आलो होतो आणि व्यवस्था चांगली केली आहे, आम्हाला आवडली। हो हां, परिसर वगैरे छान केले आणि व्यवस्था पण चांगली केली आहे, गर्दी वगैरे राहत नाही, एवढी गर्दी असूनही लगेच दर्शन होते, हे महत्वाचं। थँक्यू। आणि आज आम्ही पहिल्यांदा, म्हणजे मी माझ्या बायकोला घेऊन आलेलो होते आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्ही आता पुण्याला गेल्यानंतर तिथे आजूबाजू राहणार त्यांना पण सांगू की दगडूशेठला जी म्हणजे व्यवस्था आहे ती नागपूरला पण गणेश टेकडीला केलेली आहे, त्यासाठी आम्ही जे आज चतुर्थी आहे मोठी चतुर्थी त्यापेक्षा लोकांना सांगण्यात आम्हाला आनंद होईल का नागपूर इज बेस्ट, म्हणून खूप छान आहे। ये जो त्यौहार है ये हर साल मनाया जाता है तिल चतुर्थी का। पौष महीने में ये चतुर्थी आती है, जो संकष्टी चतुर्थी आती है वो तिल चतुर्थी बोली जाती है और हर साल कम से कम 5-6 लाख भाविक आते हैं यहाँ पे और 250-300 साल का इतिहास है ये मंदिर का कि वो इतने पुरानी जागृत और भक्तों के मतलब पूरी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मूर्ति है। सुरक्षा तो पूरी की हुई गई है, पूरा कार्यकर्ता जो है कम से कम 450-450 कार्यकर्ता है, 200 पुलिस वालों के ऊपर 200 पुलिस वाले हैं और सभी पूरे अपने तन मन धन से पूरे लगे हुए लेडीज जेंट्स सब काम कर रहे हैं पूरे। तो आज जैसे कि हमने देखा कि गणेश टेकड़ी मंदिर ये जो शहर का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ भक्त श्रद्धालुओं की बड़ी कामना जो है मनोकामना जो है पूरी होती है और भक्तगण जो है हर साल या हर चतुर्थी को यहाँ आते हैं, लेकिन ये बड़ी चतुर्थी होने की वजह से काफ़ी मात्रा में आज भक्त हमें यहाँ श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आए और उसी तरह से मंदिर व्यवस्थापन की ओर से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।